हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग टेक विद सैम। स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हैशटैग फुल ऑन के बारे में। तो हाँ, आपको पता चल ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी F41, जो सैमसंग की एक न्यू सीरीज आने वाली है एफ सीरीज, इसके पहले मोबाइल फ़ोन F41 के बारे में। तो दोस्तों, ये लॉन्च से पहले ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ज़रूर। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी इस फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, लेट्स स्टार्ट। हाँ तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। दोस्तों, इसमें आपको मिलेगी 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले। दोस्तों, हालांकि सैमसंग तो हर फोन में अपने सुपर एमोलेड डिस्प्ले देता ही देता है, लेकिन ये हो सकती है सुपर एमोलेड प्लस वाली डिस्प्ले जो सैमसंग ने हाल ही में अभी अपने गैलेक्सी M51 में दी है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि आपको इसमें एक सुपर एमोलेड प्लस वाली डिस्प्ले मिलेगी। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो इसमें आपको वही सैमसंग का टिपिकल Exynos 9611 वाला प्रोसेसर मिलेगा। ये थोड़ा डाउन पॉइंट हो सकता है, हालांकि स्नैपड्रैगन होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें 9611 ही होगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही बुरी बात है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देना चाहिए था। डे टू डे यूजर्स में कोई लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप गेमर हैं तो गेमिंग के लिए फ़ोन बिल्कुल भी नहीं होगा। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके कैमरे की। तो इसमें आपको मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। प्राइमरी सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का, और दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा, तीसरा मिलेगा आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अच्छा है कि इसमें माइक्रो सेंसर सैमसंग ने हटा दिया, उसका कोई यूज़ होता भी नहीं है, वो फालतू सेंसर होते हैं। और दोस्तों, इसमें आपको मिलेगी 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, दोनों से ही आप 4K वीडियो तक निकाल सकते हैं विद 30 FPS। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस बार कैमरा सेटअप आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। हाँ तो गाइस, अब हम बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो दोस्तों, इसमें मिल जाती है आपको एक 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी विथ 15W चार्जर। ये तो थोड़ा डाउनग्रेड ये भी हो गया, क्योंकि ये 25W देते सही रहता, 15 फोन सपोर्ट करता है 25W चार्जर को, लेकिन बॉक्स में सिर्फ 15W का चार्जर मिलने की उम्मीद है जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन बैटरी आपको बहुत बड़ी मिलती है, 2 दिन का बैकअप तो आपको दे ही देगी बैटरी बहुत ही आसानी से, क्योंकि सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले जो है बैटरी बहुत कम खाती है ये वाली। तो दोस्तों, बैटरी आपको मिल जाती है बहुत ही कमाल की। और दोस्तों, बाकी के फीचर्स की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, तो इसमें आपको वही मिलता है सैमसंग का One UI 2.1, और फिंगरप्रिंट इस बार आपको मिलता है बैक में, साइड में नहीं, बैक में। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं फाइनली इसकी प्राइस की। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये फ़ोन 15,000 से 20,000 की रेंज में आ सकता है। आप लोग मुझे बताइए कि फ़ोन की प्राइस क्या होनी चाहिए, जो स्पेक्स मैंने आप लोगों को बताई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं अपना ओपिनियन दूँ, अगर 15,000 के अंदर आया है फ़ोन तो बहुत ही अच्छा फ़ोन होगा, मेरे हिसाब से किलर फ़ोन होगा। लेकिन अगर 15 के ऊपर गया तो चाइना का फ़ोन नहीं है, तो ये आपको थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही हो सकती है इसकी प्राइस। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ऐसे ही और एक्सक्लूसिव वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। खुश रहिए, खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।